तो गाइज आज है धनतेरस, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हॉस्टल में इस वक्त कोई भी नहीं है। कुछ लोग गए हैं पटाखे लेने और कुछ लोग गए हैं ऐसे घूमने और शॉपिंग करने, और हम 6-7 लोग बचे हुए हैं और हम लोग भी जाने वाले हैं गोंडिया। स्पेशली मेरा जो ये फर्स्ट जॉब के बाद ये मेरा पहला धनतेरस है एंड पहली दिवाली है, तो मैंने दोस्तों को कहा कि जॉब लगने के बाद हमें धनतेरस में कुछ ना कुछ लेना चाहिए, जैसे कि सारे फैमिली में हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेता है, स्टील के बर्तन या झाड़ू, तो हमें भी लेना चाहिए। जाएंगे और धनतेरस की कुछ शॉपिंग करते हैं, देखते हैं क्या लेंगे। और साथ ही साथ कल छोटी दिवाली है एंड परसों दिवाली है, तो उसकी भी शॉपिंग साथ ही साथ कर लेंगे। दिया ले लेंगे, मिठाइयाँ ले लेंगे, और हम लोग ने तो ये भी डिसाइड किया है कि हम रंगोली बनाएंगे। आपको पता नहीं होगा, मैं हर साल घर पे, जब भी मैं घर पे रहा हूँ दिवाली में, तो मैंने रंगोली बनाई है घर में, मतलब मिल के बहन भाई के साथ। तो दीवार मैं रंगोली अच्छा बना लेता हूँ, और साथ यहाँ पे शुभम जो है वो भी रंगोली बनाता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम भी इस बार दिवाली में यहाँ पे रंगोली बनाएंगे और काफ़ी धूमधाम से इस हॉस्टल में मनाएंगे और सब लोग मिल के दिवाली मनाएंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी लोग जैसा एज यूजल हमेशा लेट करते हैं, तो अभी लेट ही कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। मयंक तो नहाने गया अभी जस्ट, तो अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ बालकनी में और आईफोन से आपको व्लॉग दिखा रहा हूँ, और आईफोन से आपको इस बार कैंपस दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। देखिए, आप देख ही रहे होगा कि कितना सुंदर लग रहा है कैंपस आपको। अब रियल पिक्चर, अब रियल कलर हो, मतलब रियल सीनरी अब आपको दिख रही होगी। पहले व्लॉग भी अच्छे हैं, बट उसकी कैमरा क्वालिटी और आईफोन की कैमरा क्वालिटी में यार जमीन आसमान का अंतर है। तो आपको मैं अभी जस्ट दिखाता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू कैंपस का। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, आसमान, पेड़ पौधे, एंड दिस इज आवर हॉस्टल, है ना, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे वॉलीबॉल है, वहीं पे मैच है, और यहाँ से ये है ग्लाइड पाथ, एरोप्लेन यहीं से लैंड करता है, और वहाँ पे एयरपोर्ट है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। आईफोन का क्वालिटी अलग है यार, जूम करके दिखाता हूँ आपको। सूरज होता तो आपको सनसेट का व्यू भी यहाँ से दिखा देता, बट सूरज लग रहा है वहाँ पे छिपा हुआ है। तो गाइस सभी की तरफ से आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, धनतेरस का सामान लेने कुछ, और दिवाली की भी लगे हाथ शॉपिंग कर लेंगे। ये है भाई साहब, ये रंगोली बनाएंगे अब मेरे साथ। आपकी बार काटेगा नहीं ना, पिछले बार बोले थे गाइस काट दिया था। तो गाइस काफी ट्रिम करना पड़ता है ना, बहुत सारा लंबा वीडियो बन जाता है, तो उसमें ट्रिम करना पड़ता है। हे भैया, हैप्पी दिवाली आपको भी। हैप्पी दिवाली आपको भी। चलिए इन्हीं के साथ हमेशा जाते हैं, यही भैया हमें लेके जाते हैं। कौन नहा रहा था? मैं गाइस मैं सुबह सुबह नहा के पूजा कर चुका हूँ, सुबह 9:30 बजे उसके बाद नाश्ता किया हूँ। ये लोग अभी नहाने वाले लोग। तो गाइस मैं ऐसे कैसे लग रहा हूँ? प्रकाश ने बोला कि यार कैप हटा दो, बोला व्यूअर्स को मजा आना चाहिए तुमको नहीं, तो मैंने मेरा कैप हटा दिया है, और बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने तो क्या सच बता, जो टर्म यूज किया था तेरे लिए वो बता दे। क्या बताया, बोला था वो हम बोल नहीं सकते ऑन स्क्रीन वरना। तो गाइस अब ऐसे ही ब्लॉग करूंगा नेक्स्ट जो भी है, तो अगर अच्छा नहीं लग रहा हूँ ऐसे तो बता दो कमेंट में, नेक्स्ट भी कैप में ब्लॉगिंग करूंगा। तो अभी तो प्रकाश के कहने पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, प्रकाश को तो सही लग रहा है। एप्पल के फोन से शूट करने से ये एक फायदा है, ये जो नॉर्मल ब्रिज है बुर्ज खलीफा टाइप जैसा दिखता है। एक नॉर्मल सी गाड़ी खड़ी थी वो एकदम मर्सिडीज जैसी लग रही है। एप्पल के फोन शूट करने से एक फायदा है, एप्पल आईफोन। वैसे एप्पल लगाने की जरूरत नहीं था, आईफोन मतलब ही एप्पल का हो गया। गाइस काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, अभी प्रकाश और शुभम पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और बाकी यहाँ पे पटाखे और दिया विया की दुकान तो दिख ही नहीं रही है, सिर्फ कपड़े की दुकान है, जूते चप्पल की है। हमें पटाखे की दुकान और दिया की दुकान और जो मिठाइयों की दुकान है वो ढूंढेंगे और फिर सामान लेते हैं, बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बेबी रंगोली, रंगोली के लिए हम लोग अपना व्यवस्था कर लेते हैं। ये लड़के भी यहाँ मिल गए हमें, और ये देखिए इनकी खुशी बहुत कुछ जाहिर कर रही है, तो हम इनके पास थोड़ा सा जाने का चेष्टा करते हैं। और ये पदम भाई खाए करते थे, रमजान भाई किचन में,
मैक्सिमम सारा सामान ले चुके हैं और पूजा के सामान ले लिए हैं, बर्तन ले लिए हैं, मैंने तो प्लेट लिया है और फिर ये लोगों का मन हुआ मयंक और सौरभ का, तो वो लोगों ने ग्लास ले लिया है और शुभम ने एक बॉटल लिया है। धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए तो सभी ने खरीद लिया है, अभी पटाखे खरीद रहा है। देश में नहीं खाएंगे, बाहर खाएंगे। बाहर खाएंगे। ठीक गाइस, बाहर ही खाएंगे आज का, कर लेंगे अपने हेल्थ के साथ थोड़ा बहुत। सुन ना, मेस में तेरे को चाउमीन मिलेगा, नूडल्स मिलेगा, है तो आज गाइस मेस में चाउमीन और वो मंचूरियन है जो कि बहुत ऑयली होता है, वैसी मुझे पसंद नहीं है, तो यहीं होटल में ही खा लेते हैं। अपना कुछ एक्सपीरियंस आज का बताइए, कैसा लग रहा है? तो गाइस अभी क्या हुआ, हम पटाखे ले रहे थे, ये पीछे दुकान है, तो सब कुछ फाइनल कर लिए थे, अनार ले लिया, फुलझड़ी ले लिया, रॉकेट ले लिया, सब कुछ फाइनल कर चुके थे, रेट भी वो लोग ने कर लिया, उसमें भी वो लोग मतलब सस्ता नहीं कर रहे थे। पीछे चल। तो प्रकाश का कॉल आया, प्रकाश दूसरे दुकान में रेट पूछने गया था, तो वहाँ पे उसने बोला कॉल करके कि यहाँ पे हर डब्बे पे 20-30 रुपये कम है, तो हमने वहाँ पे बोला कि मैम थोड़ा कम कर दो, क्योंकि दूसरे दुकान में अपना बंदा गया है, वो तो बोल रहे हैं सस्ता है थोड़ा, तो बोले मैं सर नहीं हो पाएगा, उसका क्वालिटी थोड़ा ख़राब होगा, बट हम बोले नहीं सर मैम, डब्बा बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, और हम लोग जस्ट फिर वो बोले नहीं हो पाएगा सर, आप वहीं से ले लो। हम लोग बाहर आ गए, सब लोग बाहर आके क्या हुआ है, प्रकाश मतलब एकदम गंद मचा दिया, दूसरे दुकान में डब्बा ही अलग था, इनको इसको कुछ पता ही नहीं था कि रंग बिरंगा क्या होता है, मतलब अब वापस उसी दुकान में गया है प्रकाश, हम लोग को तो अब चेहरा दिखाने लायक नहीं है। मैं सुबह बाहर खड़े हैं और माइटी बेशरम बन के गया है अंदर और दुकान से भी। ये देखिए यही है वो लड़का आ रहा है, ये बिल्कुल मतलब हम लोग का जो होता है ना बार बार बेइज्जती कराना, ये लोग छोड़ते नहीं पीछे, अब फिर वापस लगता है उसी वापस उस दुकान में जा रहे हैं वापस गए दूसरी दुकान पीछे। तो गाइस हम लोग सारा शॉपिंग करके यहाँ पे आ गए हैं सागरिका होटल, जो पिछले ब्लॉग में भी था, एक बार हम लोग आ चुके हैं, खाना खा के यहीं से वापस जाएंगे। गाइस काफी ज्यादा भूख लगा हुआ है और बस बैठे हैं। सौरभ ने और मैंने आईफोन लिया था और अपने मयंक साहब ने गूगल पिक्सल लिया था, तो ठीक है। और हम मेरा तो अभी तक सैलरी नहीं आया गाइस, तो इसलिए गाइस सैलरी अभी तक नहीं आई है, कल आया है पहली बार 18,000 रुपए, जो कि मेडिकल का आया है पक्स, और बाकी सैलरी इसकी अभी तक नहीं आई, बट आएगी तो सीधा मतलब कितने आएगी रहने दे, वो सब पब्लिश नहीं करना। तो गाइस आएगी तो बहुत अच्छा खासा पार्टी देगा, क्यों नहीं देगा, अभी कर क्या रहे हो? अच्छा ठीक है, पार्टी है इसकी तरफ से, पार्टी है इसकी तरफ से। हाँ गाइस मेरी तरफ से पार्टी है, और हाँ इसका बर्थडे पार्टी अभी तक पेंडिंग था, मेरा हो गया है। तो अब कौन सी पार्टी है? ये 50% मेरा पार्टी है, 50% तेरा मोनेटाइजेशन का पार्टी है, और तेरा नया फोन आने का पार्टी है, और हाँ गाइस एक बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करना, इसके तरफ से कुछ यूजफुल नहीं होता, ये यूजफुल इस लिहाज से है कि हमारे जो ब्लॉगर भाई है, हम पांचों जो हमारा गैंग है यहाँ पे, उस गैंग में सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं हर चीज़ में, और गैंग का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हर एस्पेक्ट में ये टॉपर है यहाँ के, तो हम लोग में डिसाइड हुआ था कि अगर जो टॉप करेगा वो पार्टी देगा। गाइस कल पूछा गया था कि जो टॉप करता है हम पांचों में तो पार्टी दोगे, नहीं मैंने बोला मैं करूँ या कोई और करे, मैं किसी से मैं इस रूल के खिलाफ हूँ, ये वाला रूल तो तू चल ठीक है मानते हैं कि ये वाला रूल भी नहीं मना करता, तो लेकिन ये सिमुलेशन में सबसे ज्यादा नंबर लाया वो भी तो मना कर दिया था, नहीं आ गया हमारा खाना, तो आ गया खाना, गाइस तो खाना आ गया है। पहली बार पनीर लच्छेदार मंगाया है और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कलर होता है, सबसे बढ़िया तो ये है, मेरा हमेशा का किसी भी रेस्टोरेंट जाने के लिए बटर पनीर मसाला नंबर वन। खाना सबका हो चुका है, रूम आ गए हैं, सारा सामान मैं अभी मयंक के रूम पे रख दिया है, और कल दिया को जैसे कि दिया में पानी डाल के रखना होता है ताकि दिया पानी सोख ले, ताकि बाद में तेल ना सोखे, वो सब कल करेंगे। रंगोली भी कल या परसों बनाएंगे, वो अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि मेन दिवाली परसों है, तो शायद परसों ही बनाएं, अभी तो बिल्कुल थक गए हैं, सारा सामान रख दिए हैं, जो सामान लाए थे मैं यहाँ अपने रूम पे कुछ लेके नहीं आया हूँ, बस जो प्लेट है जो धनतेरस के दिन लिया जाता है वो लेके आया हूँ, रखा है बैग में ही अभी। तो आपने अगर ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो इस ब्लॉग को जरूर लाइक करना, और अगर चैनल पर नए आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, और आगे के ब्लॉग्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर अभी मैं जाके सोता हूँ, मिलते हैं किसी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।